नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नागेश कुमार कौशिक, आपका KDH में स्वागत है। अभी हमारे साथ में मौजूद हैं जगमाल सिंह जी भाटी, जो कि पूर्व मिस्टर बिकाना रहे हुए हैं, और इनका रोबीला अंदाज, इनका वो जो बांका अंदाज अपने आप में निराला है, सभी को मन मोह लेने वाला है। उनसे बातचीत करते हैं, थोड़ा परिचय समझते हैं, और सबसे पहले आपका स्वागत है। कैसा महसूस करते हैं कि आपके इस बिकाना शहर में इस तरह के कार्यक्रम होते हैं जो कि संस्कृति को बढ़ावा देने वाले हैं? 4-5 साल मैं लिया है परिसर, और बहुत राजस्थान में शान राखने वास्ते मेरे को बहुत राजस्थान राखने वाले हैं। तो आप कौन सी सन में मिस्टर बिकाना रहे? वो मैं थोड़ा अनपढ़ हूँ, इसलिए मेरे को पता नहीं है। मैं चार पाँच साल पहले आप मिस्टर बिकाना रहे। तो आपकी जो ये मूछ है कितनी लंबी है? ये 28 फुट है। बिल्कुल, तो ये 28 फुट तक इसको लंबाई बढ़ाने के लिए क्या क्या आपने मेहनत करनी पड़ती है, इसमें क्या क्या मेहनत? बहुत है इसमें, मुल्तानी मेट आती है उससे हम इसे धोते हैं रोजाना। रोजाना नहीं धोते, 3-4 दिनों से धोते हैं। और कोई स्पेशली और भी कुछ केयर रखने पड़ते होंगे? नहीं स्पेशल और कोई, देसी घी लगाना पड़ता है इसको। अच्छा, तो कभी ऐसे इससे कोई असुविधा नहीं होती आपको खाना खाने में? और में सब होती है, बहुत परेशानी है इसमें। अच्छा लेकिन आपको लगता है मेरे हिसाब से आपको मूछों से जबरदस्त प्यार भी है अपना? हाँ, मूछों से बहुत प्यार है। क्यों, मैंने पुराना ही है ना, हमारे वडेराओं की फोटो देखी हुई है। अच्छा, तो उनमें दाढ़ी मूछ ही रखते थे वो। अच्छा, तो आप इसलिए मैंने रखने लगा। तो आपके परिवार में पहले से भी कोई लंबी मूछ रखते थे? हाँ। कितने फुट लंबाई है? वो दाढ़ी रखते थे, मूंछ नहीं रखते थे। अभी कितने फुट है इसकी लंबाई? ये 28 फुट है। और जब आप मिस्टर बिकाना रहे उस वक्त कितनी लंबी थी? 23? हाँ, 22 से 23 फीट जब आप मिस्टर बिकाना थे, और अब इसकी 28 फीट लंबाई हो चुकी है। और भी कई कार्यक्रमों में आपने भाग लिया होगा कहीं? बहुत भाग लिया मैंने, जैसलमेर लिया हुआ है, पुष्कर लिया हुआ है। तो हर जगह जब आप जाते हैं तो क्या आपसे भी कोई लंबी मूंछ वाला कभी मिलता है कहीं पे? अभी नहीं मिला है सर। कहीं नहीं मिला अभी तक? कई कार्यक्रमों में जहाँ भी आप भाग लेते हैं तो आपको वहाँ सम्मानित करते हैं, कैसा लगता है आपको? बहुत बढ़िया लगता है मेरे को। कितना प्यार करते हैं आप इस राजस्थान के साथ? बहुत जनता प्यार करती है हमारे से, इस राजस्थानी संस्कृति से, इस लिबास से। इसे आम तौर पर आप जो रहते हैं तो क्या इसी तरह के चोला कुर्ता पजामा यही पहनते हैं परिवार? हाँ, यही हमेशा, यही लिबास रखते हैं? हमेशा नहीं लगता, कहीं जाता हूँ तो ड्रेस पहनता हूँ। बिल्कुल, तो आपकी एक अलग पहचान यहाँ बीकानेर शहर में, जब आप गलियों से गुजरते होंगे, जिन गलियों में आप पैदा हुए, यहाँ आप घूमे फिरे, और आपकी एक इस अलग अनूठी पहचान के साथ लोग आपसे मिलते हैं, आपसे सेल्फी लेते हैं, कैसा लगता है? बहुत बढ़िया लगता है। आप विदेशों में भी जाने का काम पड़ा आपको? नहीं अभी तो पढ़ा नहीं है, अभी पढ़ने वाला है, पासपोर्ट लगा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये थे जगमाल सिंह जी भाटी, जो अपनी लंबी मूछों के लिए और इस रोबीले अंदाज, इस भाव भरे चेहरे के लिए फेमस हैं, और लोग दूर दूर से इनको देखने के लिए भी आते हैं, और जिस भी कार्यक्रम में ये जाते हैं उस कार्यक्रम की शान होते हैं। ये था हमारा विशेष कार्यक्रम जगमाल सिंह जी से मुलाकात। मैं हूँ नागेश कुमार कौशिक, अपने कैमरामैन सहयोगी अनिल प्रजापत के साथ आप सभी का धन्यवाद।